करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर काफी दिनों से दर्शकों के बीच में क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन लगता है कि आलिया और वरुण की ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म को जमकर गालियाँ दे रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। वरुण धवन्स फर्स्ट कमर्शियल फेलियर। I don't know why Varun Dhawan chose this Kalank. He was having such a great record. This film is Kalank on his career. Why Bollywood cannot take inspiration from commercial director from South like Shankar and SS Rajamouli? Why do they take inspiration from bekar director like Sanjay Leela Bhansali? First half completed. Believe me, it's not a movie. It's a headache. Believe me. One of the worst movie of Varun Dhawan and Alia. Totally flop. अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं तो कलंक आपके लिए एक असरदार दवा साबित हो सकती है। फुल्ली बकवास मूवी, हाईली डिसअपॉइंटिंग। ओनली दत्त सर एंड माधुरी मैम कूल, अदर्स आर जस्ट यस। क्लाइमेक्स विल मेक यू क्राई, यू विल रियलाइज कि ये क्यों देख लिया मैं। यू विल स्टार्ट स्लैपिंग एंड अब्यूजिंग योरसेल्फ। तो देखा आपने फैंस किस कदर वरुण और आलिया का मजाक उड़ा रहे हैं। फैंस के रिएक्शन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि लोगों को ये मल्टी स्टारर फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है। बता दें कि फिल्म में आलिया, वरुण, माधुरी, संजय, सोनाक्षी, आदित्य की जोड़ी देखने को मिली है। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, लेकिन फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कहीं फ्लॉप ना हो जाए। करण जौहर के बैनर तले बनी इस फिल्म का बजट 80 करोड़ है और इसे वर्ल्ड वाइड 5300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी या नहीं। वेल, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। दैट्स ट्रू। बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, एवरीथिंग। एंक्शियस है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है। देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। जफर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे जिंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। ये बोलते हैं जफर की बोली है बंदूक की गोली, तो जफर का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण का, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे, आई होप वी कैन ऑल। आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए। ही इज डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म। फॉर एग्जांपल कारगिल ही शॉट इन माइनस आई थिंक व्हाट -2 डिग्रीज शर्टलेस सीन। He's done saying his dialogues, एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको, तो I'm sure it'll all pay off. It's all been so positive actually, बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ industry के लोगों से but you know इतने सारे जो fans हैं, इतने सारे लोग जो movies के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो ग्रैंडियर जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड। तो हमारी एक्साइटमेंट भी वो बढ़ रही है उसी वजह से। बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री, हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है। सो वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। For us, yeah.
Yeah, it is. I think just तरह के the vision the director had, the way he wanted to mount the film, it required a certain extended budget which probably we did not have earlier. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's there are a lot of other actors. All the actors coming together, and it's not just the four of us. Even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, we also have Kunal Khemu in the film. We also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world because I think everybody was very inspired by the director's vision. So hum usi ke saath chal rahe, and sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. I think because he's very passionate about it. And there's no badnami in this. I think it's in fact it comes very naturally to him. Wo marketing enjoy karta hai, and I think he's got a very positive energy, and he tries to it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. Huh? I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो foresight होता है कि एक film को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मजेदार तरीके से सबका interest correct तो बांध के रखता है. I think that's very very nice, Varun. We are sorry. we are very proud of you. Thank you. You also have been you also have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म, इज अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है, ऑब्वियसली दस माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. And I think अभी तक हम में से कोई भी superstar नहीं बने. Obviously, I think Sonakshi's had very very big hits, obviously. But no, obviously you have, you've been part of very big films. But I'm just saying that all of us collectively together, this is all our career's biggest film in terms of budget, in terms of scale. तो एक तरीके से as young actors, this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now. And we have to showcase that we can be part of magnum opuses. हम लोग भी वो deliver कर सकते हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड विद अ यंग डायरेक्टर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है, इट्स हिज सेकंड फिल्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में, अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है, वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाए. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को idolize. We have so much idolize किया है, correct. हमें इतनी respect है उनके लिए, and मैं बस इस बात से खुश हूँ कि I'm I've done a film with her in my lifetime, and to be a part of the same film as her is a complete honor. Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me, and actually supporting me, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. Well, पहले तो एक relief महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं dance कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल,
टू बी ऑनेस्ट ये अपॉर्चुनिटी आई हैड टू कुड ओनली थैंक अभिषेक दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ए वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर दिस आइकॉनिक मोमेंट विद माधुरी मैम यू नो इन अ सॉन्ग लाइक दिस बहुत सारे ऐसे किरदार हो पर मैं तो लेखक नहीं हूँ तो आई डोंट नो देल हैव टू कम टू मी बट आई एम श्योर देर आर सो मेनी यू नो अमेजिंग राइट नाउ लाइक द वर्ल्ड इज आवर ऑयस्टर लाइक एनीथिंग सच डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स बीइंग मेड सो या देर सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़.